हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सॉल्व करेंगे जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे। इजी लेवल की अपनी प्रॉब्लम है और जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सीपी में भी और जावा में भी, और कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कह रही है हमें। एक हम एरे गिवन होगा इन साइज का, हमें क्या करना है, पूरे एरे को जीरो बनाना है और मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिटर्न करनी है। ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हैं हम, कोई भी एरे सब एरे चूज कर सकते हैं नॉन जीरो एलिमेंट्स का, मतलब कोई भी जीरो नहीं होनी चाहिए सब एरे के अंदर, और पूरे एरे को जीरो से रिप्लेस कर सकते हैं। जीरो मस्ट बी प्रेजेंट इन एरे इफ नॉट यू कैन नॉट रिप्लेस इट। इसका मतलब क्या है, अगर पूरे एरे में जीरो प्रेजेंट नहीं है तो आपको -1 एंटर करना है, आप उसको जीरो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिंपल सी ये बात कह रहा है। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, इस एग्जाम्पल को देखें, हम क्या करेंगे, सब एरे 3 चूज करेंगे खाली, इसको जीरो में कन्वर्ट कर देंगे, 4 5 चूज करेंगे, इसको जीरो में कन्वर्ट कर देंगे, आंसर आया 2। जीरो इसमें प्रेजेंट है इसलिए कन्वर्ट हो गया, अगर यहाँ पर जीरो की जगह कुछ और प्रेजेंट होता तो इसका आंसर आता -1। बिल्कुल सिंपल सी अपनी बात है। आप क्या करते हैं इसको व्हाइट बोर्ड पर जाकर समझ लेते हैं छोटे से एग्जाम्पल से। मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ 1 2 3 0 4 5 0 1 2, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, सब एरे चूज कर सकते हो आप, और जीरो आपको उसमें इंक्लूड नहीं करना, तो एक सब एरे आप ये चूज करोगे, एक ये इनको जीरो बनाओगे, ऑपरेशन लगने वाली अपनी 3, ठीक है। अब वो हम चूज कैसे करेंगे, देखो आप यहाँ पर आए, आपने देखा अभी तक जीरो नहीं है, कोई बात नहीं, इसको अपने पहले सब एरे में ही फिट करते चलो, इसको भी फिट कर दो, इसको भी फिट कर दो। यहाँ पर आए, इसका मतलब इससे पहले के जो एलिमेंट है उनको मैं जीरो बना सकता हूँ एक ऑपरेशन में, ठीक है। इससे पहले कितना एलिमेंट है, 3, आंसर हो गया मेरा प्लस प्लस, आंसर हो गया मेरा 1। फिर मैं यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर मैं जीरो पर आ गया, इसका मतलब इन एलिमेंटों को मेरे को जीरो बनाना, इससे पहले को चूज करना है, फिर आंसर को मैं क्या कर दूंगा प्लस प्लस। सिमिलरली जब यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आऊंगा, लूप से बाहर आ जाऊंगा, मेरे को चेक करना है लूप से बाहर आके लास्ट में अगर एलिमेंट पड़े हैं कुछ, वो मेरे जीरो बनाने रह गए हैं, उनको भी जीरो बनाना है एक ऑपरेशन लगा के, तो आंसर को प्लस प्लस, ऐसे करके मेरा आंसर आ जाएगा 0 से 3, ठीक है, 3 मेरा रिटर्न हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात। अब देखते हैं कि इसको हमने करना कैसे है। मैं क्या करूंगा भाई, एक आंसर वेरिएबल ले लूंगा 0 से, एक काउंट वेरिएबल या लेंथ वेरिएबल ले लूंगा, जो भी सब एरे की लेंथ होगी 0 से। यहाँ पर आया, लेंथ प्लस प्लस, अभी तक 0 नहीं मिला, अभी तक 0 नहीं मिला, अभी तक 0 नहीं मिला, लेंथ की वैल्यू हो चुकी है मेरी 3, 3 एलिमेंट इसमें आ चुके हैं जिनको मैं पहले से बारे में अपने फिट करूंगा। यहाँ पर आया मैंने क्या चेक करा, लेंथ की वैल्यू क्या है, 3, 0 मिल गई मेरे को, लेंथ की वैल्यू 3 है। ये इंडिकेट करता है कि 0 से पहले 3 एलिमेंट ऐसे पड़े हैं जिनको हम 0 बना सकते हैं एक ऑपरेशन में, ठीक है। तो उठा के लेंथ की वैल्यू तो 0 कर दो, उन तीनों को मतलब हमने 0 बना दिया, आंसर को 1 कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए, लेंथ की वैल्यू फिर प्लस 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 होके लेंथ होगी मेरी 2। जैसे यहाँ पर आए मैंने क्या चेक करा, लेंथ 2, इसका मतलब 2 एलिमेंट ऐसे पड़े हैं जिनको मैं 0 बना सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, आंसर को प्लस प्लस कर दूंगा, आंसर हो जाएगा मेरा 2, लेंथ को मैं कर दूंगा अपनी 0। फिर मैं यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, लेंथ मेरी 2 होगी और मैं लूप से बाहर आ गया। लूप से बाहर आके मेरे को चेक करना है, क्या चेक करना है कि अगर मेरी लेंथ नॉन जीरो है, इसका मतलब लास्ट में कुछ एलिमेंट ऐसे पड़े हैं जिनको मेरे को 0 बनाना रह गया, तो मैं क्या करूंगा, लेंथ आंसर को अपना प्लस प्लस कर दूंगा, आंसर मेरा हो जाएगा 3, मतलब मैंने लास्ट वाले एलिमेंट भी अपने 0 बना दिया, लास्ट में आंसर को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब केस आता है अपना, एज केस के 0 प्रेजेंट ना हो, तो उस केस में क्या होगा, मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरा 1 प्रेजेंट है, यहाँ पर मेरा 2 प्रेजेंट है, आपका क्या होगा, लेंथ प्लस प्लस, लेंथ प्लस प्लस, यहाँ तक जाते जाते आपकी लेंथ ही प्लस प्लस होती रहेगी, ठीक है। मतलब लेंथ की वैल्यू क्या आ चुकी होगी, जितने मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट है, अगर लेंथ की वैल्यू मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल आती है, इसका मतलब बीच में मेरे को 0 मिल ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल -1 रिटर्न कर दूंगा। अब क्या करते हैं, इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देख लेते हैं। एक ट्रैवर्स कर रहे हैं सिंपल, शुरू से लेके एंड तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है लेंथ ऑफ दी एरे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कोई स्पेस यूज नहीं कर रहे, कोई एरे वेक्टर यूज नहीं कर रहे, तो रहने वाली है O1, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको कोड कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक तो आंसर वेरिएबल ले लेता हूँ अपना 0 से, एक लेंथ वेरिएबल ले लेता हूँ, जिससे एरे की लेंथ होगी, ठीक है। उसके बाद मेरे को सिंपल एरे को ट्रैवर्स करना है जी। अगर एरे ऑफ आई मिलता है 0 के इक्वल, या फिर 0 के इक्वल नहीं मिलता तो लेंथ को सिंपल प्लस प्लस, अगर 0 के इक्वल मिलता है तो मेरे को क्या चेक करना है, अगर लेंथ की वैल्यू कुछ है तो आंसर को प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं लेंथ की वैल्यू कुछ है क्यों दे रहा हूँ आपको, मैं हल्का सा ये भी क्लियर कर देता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा हो, आप यहाँ पर आए 0, लेंथ की वैल्यू भी 0 है, तो आंसर डायरेक्ट प्लस प्लस नहीं करना, जब 0 मिलता है चेक करो लेंथ की वैल्यू 0 तो नहीं है। यहाँ पर आए, फिर लेंथ की वैल्यू आपको 0 ही मिलेगी, यहाँ पर आए फिर लेंथ की वैल्यू 0 मिलेगी, अगर सीधा आंसर प्लस प्लस कर दोगे तो आंसर 3 आ जाएगा, लेकिन आंसर होना चाहिए इसका 0, ठीक है। इसलिए लेंथ की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए, पीछे सब एरे में कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट पड़े होने चाहिए जिन्हें मैं 0 पास होगी, अपना आंसर प्लस प्लस करना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, फिर लेंथ को कर देंगे 0 नेक्स्ट सब एरे के लिए,
बाहर आते हैं, चेक करना अगर लेंथ इक्वल इक्वल है इनके, मतलब पूरे एलिमेंट पूरे एरे में अपने पास जीरो ही नहीं है तो रिटर्न कर देंगे -1। वरना अगर लेंथ की कुछ वैल्यू है, इसका मतलब लास्ट में कुछ एलिमेंट मेरे पड़े हैं, आंसर प्लस प्लस, ठीक है लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर को। इसको एक बार मैं आपको लाकर सबमिट कर दिखा देता हूँ, ठीक है इसको करते हैं सबमिट, कोई एरर आएगा तो देख लेंगे उसको भी। ये वो अपना सबमिट, अब चलते हैं इसके जावा कोड पे। यहाँ पर भी सिंपल, आंसर इक्वल टू 0, लेंथ इक्वल टू 0 और इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। इफ एरे ऑफ आई इक्वल इक्वल मिलता है 0 के और लेंथ नॉट इक्वल टू है 0, तो आंसर प्लस प्लस, और लेंथ को 0 सेट कर दो नेक्स्ट सब एरे के लिए, एल्स मेरा सिंपल लेंथ प्लस प्लस ही होगी। इफ लेंथ इक्वल इक्वल होती है एन के, मतलब 0 प्रेजेंट नहीं है, रिटर्न कर दो -1, और अगर लेंथ नॉट इक्वल होती है 0 के तो आंसर को प्लस प्लस कर दो, लास्ट वाली वैल्यू को भी 0 बनाना है, और रिटर्न कर दो अपना लास्ट में आंसर, ठीक है। क्या करते हैं इसको भी चला कर देख लेते हैं एक बार, यहाँ से पी हटा देते हैं। लेंथ लेंथ की स्पेलिंग लगेगा गलत होगी, हाँ एल लिया आएगा, अब सबमिट करते हैं इसको। ये भी अपना सबमिट होगा गाइस, आई होप आपको प्रो समझ में आएगी, कोड समझ में आएगा, कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो, किसी प्रकार का डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।